हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस हम यहाँ पढ़ रहे थे आई मैथमेटिक्स क्लास नाइन्थ चैप्टर वन रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रेंड्स इस चैप्टर के एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे थे जिसमें ऑलरेडी फाइव तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके इसके वीडियो अपलोड कर दिया है ये वीडियो का आ, फोर्थ पार्ट है जहाँ पर हम आपको सिक्स से नाइन तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिस तरीके से मैंने पहले वाली वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि हमें किस तरीके से दो नंबर के बीच में न किस तरीके से हम दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को इंसर्ट करते हैं वही मेथड यहां भी फॉलो करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर तीन और चार के बीच में छह रेशनल नंबर पता करना है तो देखिए आसान है इसमें कुछ है नहीं एक मेथड वो था जो बुक का मेथड था जिसमें क्या करना था ए प्लस बी बाई टू करना था वो थोड़ा लॉन्ग मेथड मेथड हो जाता है इसमें आसान मेथड ये होता है कि अगर थ्री बोल दिया थ्री से फोर के बीच में तो छह चाहिए ना तो आप ऐसे लिख सकते हो थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री ठीक ना थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फाइव एंड थ्री पॉइंट सिक्स कितने होगा एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है ना और फाइनली आप लिख सकते हो यहां पर फोर और चाहिए तो और इंसर्ट कर सकते हैं ये इंसर्ट हो गया बस आंसर सर लिख सकते हैं ठीक है ये मेथड था और बुक में मेथड क्या था ए प्लस बी यानी पहले थ्री और फोर को जोड़िए फिर डिवाइड करिए फिर जो वैल्यू आएगा उसके बीच में जैसे मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा एग्जांपल यहां है लिख करके जैसे थ्री प्लस फोर करिए आप फिर इसको टू से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा सेवन बाई टू इसको सॉल्व करेंगे थ्री पॉइंट फाइव अब ये जो थ्री पॉइंट फाइव है ना ये क्या हो जाएगा ये थ्री और फोर के बीच में आ जाएगा थ्री कॉमा थ्री पॉइंट फाइव कमा फोर अब क्या करेंगे अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव बाई टू ये हो जाएगा थ्री पॉइंट टू फाइव अब ये क्या होगा यहाँ यहाँ आ जाएगा फिर इस तरीके से क्या करेंगे इन दोनों के बीच में एक निकालेंगे ठीक है ना थ्री पॉइंट फाइव प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू तो ये क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव आप इसको टू से डिवाइड करेंगे करेंगे क्या आएगा ये आएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो ये ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा ठीक है चलिए तो इसको यहाँ रख लेते हैं और इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं थ्री कॉमा थ्री पॉइंट टू फाइव कमा थ्री पॉइंट फाइव कॉमा ये थ्री पॉइंट सेवन फाइव कॉम फोर इस तरीके से फिर क्या करेंगे आप इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में फिर क्या करेंगे वही ए प्लस बी डिवाइड बाई टू वाला मेथड लगा करके आगे बढ़ सकते हैं ये भी मेथड सही है सॉल्व करने का और ये भी मेथड है तो आपको जो इजी लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कभी ये जो आंसर आएगा या ये, ये जो आंसर आएगा कभी बुक से मैच नहीं करेगा बहुत रेयर केस में मैच कर जाता है इसलिए क्योंकि थ्री और फोर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं अब जब इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएंगे तो इनफाइनाइट में से हो सकता है कि आप कुछ और रख ले और कुछ वो रख ले बुक वाला तो इसलिए अलग हो जाता है आंसर लेकिन आंसर सेम हो सही होता है ठीक है ना घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको मैथड सही लगाना है ठीक है चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन आप ये मेथड भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो आंसर दोनों में सेम होगा ठीक है ना चलिए मैं क्वेश्चन नंबर सेवन लेता हूं जरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन ने क्या कहा फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव कॉमा फोर बाई फाइव इन दोनों के बीच में तो इन दोनों का डिनोमेटर दिख रहा है सेम है लेकिन थ्री और फोर के बीच में हमें कोई नंबर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे हमें कितना चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए फाइव तो हम क्या करेंगे सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ डिनोमिनेटर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिनोमेटर क्या है ऑलरेडी बराबर है तो हम क्या करेंगे हमें पाँच रेशनल नंबर चाहिए तो पाँच प्लस एक छः छः से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये मिल जाएगा एटीन बाई थर्टी और ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाई थर्टी ठीक है अब हमें क्या चाहिए एटीन बाई थर्टी से ट्वेंटी फोर बाई ट्वेंटी फोर बाई थर्टी के बीच में नंबर चाहिए तो आप ले लो नाइनटीन बाई थर्टी ठीक है ना फिर इस तरह ट्वेंटी बाई थर्टी ठीक है फिर ट्वेंटी वन बाई थर्टी फिर ट्वेंटी टू बाई थर्टी फिर ट्वेंटी थ्री बाई थर्टी ट्वेंटी फोर बाई थर्टी हो जाएगा तो एक दो तीन चार पाँच आ गए ठीक है ना अब हम क्या करेंगे इसको कैंसिल कर देंगे जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा उससे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हमें पता है रेशनल नंबर हरदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ये सिक्स से ठीक है ठीके? ये हो जाएगा सिक्स थ्री जाए एटीन और सिक्स फाइव जाए थर्टी फिर ये डिवाइड तो होगा नहीं तो छोड़ देते हैं ठीक है ना ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है इस तरीके से ये जीरो से जीरो निकल पड़ेगा टू बाई थ्री हो जाएगा ठीक है ये क्या हो जाएगा और थ्री से थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन थ्री टेन जा थर्टी ये हो जाएगा टू से एलेवन टाइम्स में फिफ्टीन टाइम्स में ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ फिर ये कट जाएगा कितनी फोर और फाइव हो गया देखिए जो हमें चाहिए वो आ गया थ्री बाई फाइव फोर बाई फाइव के बीच में रेशनल नंबर्स आ गए तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सुमन मेहनत ने कैसे सॉल्व करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो आसान है इस तरीके से ध्यान रहे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर एट में दिया है फाइंड द फाइंड टेन रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू बाई फाइव एंड वन बाई सेवन तो हम क्या करेंगे इसका इसका जो डिनोमिनेटर है पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ना कितना हो जाएगा माइनस फोर्टीन बाई ठीक है माइनस फोर्टीन बाई सेवन फाइव जाए थर्टी फाइव और इसमें क्या हो जाएगा इसमें फाइव से इसका डिनोमिनेटर फाइव है ना तो इसमें फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव वन जाए फाइव फाइव सेवन थर्टी फाइव चलिए तो हो गया यानी माइनस फोर्टीन और मैं इसको और यहां से लिख लेता हूँ माइनस फोर्टीन बाई थर्टी फाइव से ले करके फाइव बाई थर्टी फाइव के बीच में हमें रेशनल नंबर्स लिख हैं चलिए लिख लेते हैं माइनस फोर्टीन से बाद माइनस थर्टीन बाई थर्टी फाइव ठीक है ना माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव माइनस इलेवन बाई थर्टी फाइव आप ऐसे बढ़ते जा सकते हैं ठीक ना हमें फाइव तक लिखना है हमें टेन चाहिए तो चलिए माइनस ये हो जाएगा टेन बाई थर्टी फाइव माइनस नाइन बाई थर्टी फाइव माइनस एट बाई थर्टी फाइव माइनस सेवन बाई थर्टी फाइव माइनस सिक्स बाई थर्टी फाइव कम कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और टू और ऐड करना है ठीक है मैं यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ माइनस फाइव बाई थर्टी फाइव है ना फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ ठीक है फिर यहाँ माइनस फोर बाई थर्टी फाइव ठीक है माइनस थ्री बाई थर्टी फाइव इस तरीके से आप कोई भी टेन ले सकते चलिए मैं यहीं तक लिख देता हूँ माइनस फाइव बाई थर्टी फाइव हो गया ना चलिए देख लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन मैंने इलेवन ले लिया आप टेन तक लिख सकते हैं ये हो गया फाइव बाई थर्टी फाइव फिर जो चीज़ें कैंसिल होने वाली होंगी उसको कैंसिल कर देंगे जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव ठीक है यहाँ हो जाएगा माइनस थर्टी बाई थर्टी फाइव यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल कर लीजिएगा ऐसे लिख लीजिएगा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा फाइव वन जब फाइव है ना और फाइव सेवन जाए थर्टी फाइव वन बाई सेवन तो देखिए आपको माइनस टू बाई फाइव और वन बाई सेवन के बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे आसानी से ठीक है तो आसान है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं ले, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है कि फाइंड द सिक्स एडिशनल नंबर बिटवीन इस ये भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर नाइन में वन बाई टू दिया हुआ है और टू बाई थ्री दिया हुआ है तो फिर पहले इनके डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं तो ये थ्री है तो इसमें थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ना फिर इसमें इसमें टू है तो इसमें टू से ऊपर नीचे ये कितना हो जाएगा थ्री बाई सिक्स और यहां कितना हो जाएगा फोर बाई सिक्स तो थ्री और फोर के बीच में आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आपको कितना चाहिए सिक्स तो सेवन सिक्स प्लस वन सेवन तो सेवन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेवन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ये हो जाएगा सेवन थ्री जय ट्वेंटी वन सेवन 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 सिक्स जै फोर्टी टू ये हो जाएगा सेवन फोर जो ट्वेंटी एट सेवन सिक्स फोर्टी टू यानी ट्वेंटी वन बाई फोर्टी टू और ट्वेंटी एट बाई फोर्टी टू के बीच में हमें सिक्स रेशनल नंबर तो यहाँ हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई फोर्टी टू ठीक है ना ट्वेंटी थ्री बाई फोर्टी टू ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी टू ठीक है फिर ट्वेंटी फाइव बाई फोर्टी टू फिर ट्वेंटी सिक्स बाई फोर्टी टू फिर ट्वेंटी सेवन बाई फोर्टी टू कितने हो गए दो दो चार दो छः छः हो गए लिख लेते हैं इस तरीके से ट्वेंटी एट बाई फोर्टी टू ये हो गए अब जो कैंसिल होने वाला रहेगा ठीक है, है ना डिवाइड हो जाएगा उसको डिवाइड कर दीजिए इसको सेवन से इसको सेवन से तो ये हो जाएगा सेवन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन बाई ठीक है ना और ये कितना हो जाएगा अच्छा दो से कट जाएगा देखिए इक्कीस से इक्कीस से एक बार में और इक्कीस से ये दो बार में इस तरीके से डायरेक्ट कट दिया ठीक है इसको टू से इलेवन टाइम में ट्वेंटी वन टाइम में ये नहीं कटेगा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ठीक है ना और ये कट जाएगा हमारे पास सिक्स से सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर सिक्स सेवन जा फोर्टी टू ये फाइव से नहीं कटेगा ट्वेंटी फाइव और ये फोर्टी टू ठीक है ना ध्यान रहे इसको टू से कट कर देता हूँ ये हो जाएगा थर्टीन बाई ट्वेंटी वन ये थ्री से ठीक है ना थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री वन जा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व ठीक है फिर ये ट्वेंटी एट कितनी बार में मैं इसको टू टाइम्स में कट कर दूँ टू बाई थ्री टाइम्स आ जाएगा वन बाई टू टू बाई थ्री के बीच में सिक्स रेशनल नंबर चाहिए आपको सिक्स रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएगा ठीक है तो आसान है ये एक्सरसाइज ही बहुत आसान था ठीक है ना चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर एक्सरसाइज वन पॉइंट टू को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हमें समझनी है वो मैं आपको समझाऊंगा यानी इ रेशनल नंबर क्या होते हैं उनको किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे हम इ uh, e को प्रूव करते हैं कि रूट टू ई नंबर है कैसे प्रूव करते हैं ठीक है ठीके? ये इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो